आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भादो मास कृष्ण पक्ष शुभ रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान सूर्य देव की कृपा से रोगों का नाश होता है, काया निरोगी होती है, घर के धन धान्य में बरकत बढ़ती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव हैं, तीनों लोकों और 14 भुवनों के स्वामी हैं। सूर्य देव की आराधना सदैव शुभ फलों को देने वाली होती है। सूर्य देव की कृपा से दुखों, कष्टों एवं रोगों से छुटकारा मिलता है। ये नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाले और आयु की वृद्धि करने वाले हैं। आरोग्यता की कामना सदैव सूर्य देव से करनी चाहिए। रविवार सूर्य देव का प्रिय वार है, इसलिए इस दिन सूर्य देव की पूजा व कथा कहानी का श्रवण विशेष रूप से करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सूर्य देव की कथा कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण सूर्य देव भगवान का भक्त था। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान आदि कार्य कर सूर्य देव की पूजा करता, जल चढ़ाता, कथा कहानी कहता सुनता। ब्राह्मण पूजा पाठ के अलावा और कोई कार्य नहीं करता था। इस पर ब्राह्मणी कहती, आप कुछ भी कमाते नहीं हो, ऐसे कैसे घर का गुजारा होगा। ब्राह्मणी की इस रोज की चिक चिक से दुखी होकर वह ब्राह्मण जंगल में चला गया। पूजा पाठ कर सूर्य देव को जल चढ़ाने लगा तो वहाँ एक सूखा पीपल और सूखा तालाब था। जल चढ़ाते ही वह पीपल हरा हो गया और तालाब दूध का भर गया। ब्राह्मण वापिस आने लगा तो पीपल में से आवाज आने लगी, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू मन चाहा वर मांग ले। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ब्राह्मण घर आया, ब्राह्मणी ने कहा, आज आप कुछ चिंतित दिख रहे हो। ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे वह तो सूर्य देव भगवान हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपसे वर मांगने को कह रहे हैं। अगर अब कल आवाज आए तो आप मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पहले सूर्य देव भगवान को प्रणाम करना और कहना, हे सूर्य देव, अन्न दो, धन दो, लाज दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, पुत्र दो, सोना चांदी दो, कुल आई बहु दो, हाथी घोड़ा दो, 12 बरस की मेरी काया और 12 बरस की मेरी ब्राह्मणी की काया कर दो। अगले दिन ब्राह्मण ने सूर्य देव भगवान से वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूर्य भगवान बोले, ब्राह्मण, तू तो भोला सा दिखता था, पर तूने तो बहुत कुछ मांग लिया, पर मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जा, तेरे ये सब हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से वापिस घर लौटा तो क्या देखता है, पुरानी सी झोपड़ी की जगह महल बन गया है। ब्राह्मणी भी खूब सज धज कर तैयार खड़ी है और ब्राह्मण को आते देखकर कहने लगी, देखो सूर्य देव भगवान ने हमें कितना कुछ दे दिया।
ब्राह्मण बोला, हम लोग इतने धन का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, आप भी कैसी बातें करते हो, धन से क्या नहीं हो सकता। अगर सूर्य देव ने हमें धन दिया है तो हम अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे। तब उन्होंने ऐसे ही दान धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए। अब हर कोई ब्राह्मण की जय बोलने लगा, चारों तरफ ब्राह्मण की प्रशंसा होने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा तक भी पहुंच गई। ब्राह्मण के पास इतनी धन दौलत कहाँ से हो गई कि हर कोई ब्राह्मण के गुण गा रहा है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से हो गया। तब ब्राह्मण ने सारी घटना राजा को बता दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पास धन तो है परंतु मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप नियम के साथ सूर्य देव की पूजा करें, वो अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। राजा ने ब्राह्मण के कहने पर वैसा ही किया। एक वर्ष पश्चात राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि ब्राह्मण को बुला कर लाओ, मैं उसे इनाम दूंगा, उनका मान सम्मान करूंगा। ब्राह्मण आया और उसने राजा से कहा कि आप मेरा मान सम्मान नहीं, सूर्य देव को धन्यवाद दो, उनकी पूजा अर्चना करो, उनकी कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो ही सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा को दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।